Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English. स्वागत है आपका इस चैनल पर ECLE के और आज हम पढ़ने वाले हैं wanted to have. हमने want to be, wanted to be, wanted और want to be, want to have सब हमने पढ़ लिया है. वॉन्टेड की पूरी सीरीज खत्म कर लीजिए. आज लास्ट है वॉन्टेड की सीरीज. ओके, अब हम डेली की डेली क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंस को अब हम सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं. लास्ट के तीन दिन, आज कौन सा दिन है, आज मंगलवार है. लास्ट के तीन दिन हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मिक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे. मैं आपको बताऊँ कैसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वॉन्टेड टू हैव की आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रैक्टिस करेंगे और मतलब सॉरी हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे. तो इससे पहले कि मैं आपको सेंटेंस बताऊं, मैं हर बार की तरह आपके लिए क्या लाता हूं, मैं आपके वॉकअप ले आता हूं, जो कि वॉकअप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है. बिना वॉकअप को आप कुछ कर नहीं सकते हैं. एक मेरी वीडियो भी आई थी बाईस वॉकअप लाई इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो इंग्लिश में वीडियो थी. तो आप पाँच जो मैंने आपको वॉकअप लाए हैं, आपको इसके सेंटेंस बनाने हैं. सेंटेंस बनाने के साथ आपको कमेंट बॉक्स में आपको आप एक एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. पाँच सेंटेंस बनाने आप कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखना है कमेंट बॉक्स में. आपको सेंटेंस बनाने सेंटेंस के जैसे मैंने एक मीनिंग लिखी इसका एक सेंटेंस, ये मीनिंग लिखी इसका सेंटेंस, ये मीनिंग इसका सेंटेंस, तो आप ऐसा कर सकते हैं. उससे पहले अपन वॉकअप को देख लेते हैं. ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले अपनी वॉकअप है. वॉकअप क्या है, रहस्य क्या है, रहस्य. रहस्य मीन्स क्या होता है, मिस्ट्री. पहला आप हिंदी बोला, मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, मिस्ट्री मीन्स कोई रहस्य हो, कोई क्या हो, गुण रहस्य हो, इट इज मिस्ट्री हो. ओके, कोई रहस्य हो, जैसे कि मैं सागर में निवास करता हूँ, सागर में रहता हूँ. तो सागर से यहाँ से एक रहस्यमय जगह बताऊँ, तो सागर में यहाँ से 100 किलोमीटर है एक जगह है, जगह का मैं नाम भूल रहा हूँ, हीरापुर के आसपास पड़ती है. तो वहाँ जगह है, वहाँ है भीमकुंड. क्या है, भीमकुंड. ओके, बांझना गाँव है, बांझना नाम, गाँव का नाम क्या है, बांझना है. ओके, तो वहाँ पर एक क्या है, एक एक तलाश है, पहाड़ के नीचे के पहाड़ है, पहाड़ के नीचे गुफा है, उसके नीचे वहाँ क्या है, पानी भरा है. ठीक है, उसकी गहराई है, जो उसकी गहराई पता नहीं कितनी है, कितनी गहराई किसी को अभी तक पता नहीं है, कोई पता नहीं लगा पाया, अनसुलझा है. क्या है, अनसुलझा, इसकी मीनिंग बताऊंगा. क्या है वो, अनसुलझा, तो वो क्या है, एक रहस्य. क्या है वो, रहस्य है वो की भी क्या है, मिस्ट्री है. क्या है, मिस्ट्री है. ओके, इसकी मीनिंग हो गई. फिर देखो अनरिजॉल्व. ओके, जो सुलझ ना सके, अगर रहस्य को सुलझा ना सके तो क्या हो जाता है, वो अनसुलझा होता है, हो जाता है. क्या हो जाता है, अनसुलझा, मतलब क्या बोलेंगे, अनरिजॉल्व. क्या बोलेंगे, अनरिजॉल्व. क्या बोलेंगे, अनरिजॉल्व मीन्स होता है अनसुलझा. ओके, नेक्स्ट मीनिंग थी थर्ड मीनिंग क्या, विक्टिम. क्या, विक्टिम. विक्टिम मीन्स होता है पीड़ित. पीड़ित आप समझते हो, जैसे किसी के ऊपर अपन ने अन्याय, अत्याचार, मारपीट, एट्रोसिटीज़ की जो घटनाएं होती है, तो जो करने वाला है, जो करने वाला क्या है, जो अत्याचार करने वाला है, और जो सहने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, विक्टिम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, उसे हम पीड़ित बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हम पीड़ित बोलते हैं, जो एट्रोसिटी होती है उसकी. ओके, कोस्टल. कोस्टल मीन्स क्या होता है, तटीय क्षेत्रीय, भूल गया पहले ये देख लो. एपिलेप्टिक. एपिलेप्टिक क्या है, डिसीज़ है, एक बीमारी है, इसका नाम है, सीधी बात है, इसका भी आप सेंटेंस बना. कोस्टल. कोस्टल मीन्स तटीय. क्या होता है, तटीय, जहाँ पर पहाड़ वगैरह हो. तब जैसे हम बोलते हैं कहाँ रहते हो आप, तो तटीय क्षेत्र में थे, मतलब कोस्टल रीजन बोलते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह है. ओके, तो वहाँ पर तटीय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर है. ओके, तो ये तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया है. तो ये आपकी मीनिंग है. आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाने हैं. सेंटेंस बनाने के बाद आपको ये जो कमेंट बॉक्स है, लाइट चलेगी, डोंट टेक टेंशन. ओके, कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसको लिखना है, ताकि आपके लिए ये आपकी हेल्पफुल रहे, आपको इस मीनिंग को कभी भूले ना. ओके, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं. इसको मैंने मिटा दिया है. तो आज हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वॉन्टेड टू हैव. क्या पढ़ रहे थे हम, वॉन्टेड टू हैव. क्या पढ़ रहे थे हम, वॉन्टेड टू हैव. दो दिन बाद क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, वॉन्टेड टू हैव पढ़ रहे थे. ठीक है, तो वॉन्टेड टू हैव मतलब पास चाहिए था, पास चाहिए, सॉरी पास चाहिए. क्या चाहिए, पास चाहिए. ओके, ये क्या है, पास चाहिए था, या फिर पास चाहता था, पास चाहता था. आप इसको ध्यान रखना, अकेले इसको ध्यान रखना. इसको चाहिए था वाला ही थोड़ा सा टफ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. ओके, तो इसको मैं ये काम कर, इसको मिटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा. सीधी बात है, सीधी इसकी पहचान क्या है, पास चाहिए
पास चाहता था, जो आपको साइंस चाहता था, जैसे बच्चे खिलौने चाहते थे, मैं ज्ञान चाहता था, वह स्वेटर चाहता था, मैं पेन चाहता था, मैं अपना फोन चाहता था, वह घर चाहता था, तुम जमीन चाहते थे, आप सब कुछ चाहते थे। आपको ऐसे वाले सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि तुम ज्ञान चाहते थे, वह कपड़े चाहता था, क्या चाहता था, कपड़े, हम सम्मान चाहते थे, हम क्या चाहते थे, सम्मान चाहते थे, वे जमीन चाहते थे, वह जमीन चाहते थे। ऐसा हम बना सकते हैं, बिल्कुल हम बना सकते हैं, चाहता था, चाहते थे। अब मैं तो 5 सेंटेंस उदाहरण बताओ, आपको क्या करना है, तो बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं, ओके, बहुत सारे सेंटेंस। तो ध्यान रखना कि पास होने का सेंस आ सकता है, क्या आ सकता है, सेंस आ सकता है, सेंस में तो भाव आ सकता है, क्या आ सकता है, भाव आ सकता है। तो बिना टाइम की वेस्ट की हम क्या कहाँ जाते हैं, स्ट्रक्चर पर जाते हैं। 4 सेंटेंस लिए, स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। नेक्स्ट जाओ, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस हैव आएगा, ठीक है, प्लस नाउन एडजेक्टिव। आगे जाते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव, ओके। फोर्थ वाला एक के हम 6 सेंटेंस बनाना हम सीखते हैं, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्टिव वर्ड नॉट, गाड़ियाँ निकल रही, डोंट, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव, क्या, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, ओके। 4 बन गए, और देखते हैं क्वेश्चन वर्ड में। क्वेश्चन वर्ड अबाउट मैंने आपको सिखाया है, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्जेक्ट ऑब्लिक एडजेक्टिव। ऐसे देखो, क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव। यहाँ पर अपन नॉट लगाते हैं, नॉट मैं भूल गया, ठीक है, यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना है, ओके। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस बी प्लस हैव प्लस नाउन हैव वाला सेंस, ओके। तो ये क्या है, हैव है, क्या है ये, यहाँ पर हैव है, क्या है यहाँ पर, हैव है। तो ये आपकी 6 स्ट्रक्चर है, और आपको इस अपनी कॉपी में लिख लेना, ये नीचे लिखा मतलब इसके आगे लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ना लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर टेकिंग फॉर द स्क्रीनशॉट, ओके। हम स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ओके, आगे बढ़ जाते हैं और हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम, वह कपड़े चाहता था, हम सामान चाहते थे, बेजमीन चाहते थे, वह कपड़े चाहता था, क्या, कौन, क्या चाहता था, कपड़े, वह क्या बनाएंगे, वह कपड़े चाहता था, मतलब पास चाहता था, ठीक है, वह कपड़े चाहता था, तो क्या आएगा, He wanted to have cloth बोल दो, ठीक है, भाई कपड़े नहीं चाहता था, वह कपड़े नहीं चाहता था, कपड़े नहीं चाहता था, तो क्या आएगा, He did not want to have क्लॉथ, ठीक है, क्या वह कपड़े चाहता था, क्या वह कपड़े चाहता था, बनाओ, कैसे बनाएंगे, कपड़े चाहता था, क्या चाहता था, कपड़े, कैसे बनाएंगे, डिड ही वॉन्ट टू हैव
प्लस डिड ही वॉन्ट टू हैव प्लस, क्या वह कपड़े नहीं चाहता था, क्या वह कपड़े नहीं चाहता था, कपड़े नहीं चाहता था, क्या आएगा, डिड ही नॉट वॉन्ट टू हैव क्लॉथ, वॉन्ट टू हैव क्लॉथ, सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। वह कपड़े कैसे चाहता था, वह कपड़े कैसे चाहता था, हो सकता है उसकी क्वालिटी हो, कैसे चाहता था, क्या कहेगा, हाउ डिड ही वॉन्ट टू हैव क्लॉथ, वॉन्ट टू हैव क्लॉथ्स, वह कैसे कपड़े नहीं चाहता था, वह कैसे कपड़े नहीं चाहता था, वह कैसे कपड़े नहीं चाहता था, ठीक है, कहेगा हाउ डिड ही नॉट वॉन्ट टू हैव क्लॉथ, क्लॉथ्स है, ओके। तो हम ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं, 6 सेंटेंस को बना सकते हैं, इसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्या आ गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा, ओके। तो वह कपड़े चाहता था, ही वॉन्टेड टू हैव क्लॉथ, वह कपड़े नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वॉन्ट टू हैव क्लॉथ, क्या वह कपड़े चाहता था, डिड ही वॉन्ट टू हैव क्लॉथ, क्या वह कपड़े नहीं चाहता था, डिड ही नॉट वॉन्ट टू हैव क्लॉथ, वह कपड़े, वह कैसे कपड़े चाहता था, हाउ डिड ही वॉन्ट टू हैव क्लॉथ, वह कैसे कपड़े नहीं चाहता था, हाउ डिड ही नॉट वॉन्ट टू हैव क्लॉथ। एक सेंटेंस को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम सम्मान चाहते थे, हम सम्मान चाहते थे, वी वॉन्टेड टू हैव रिस्पेक्ट, हम सम्मान नहीं चाहते थे, वी डिड नॉट वॉन्ट टू हैव रिस्पेक्ट, क्या हम सम्मान चाहते थे, डिड वी वॉन्ट टू हैव रिस्पेक्ट, क्या हम सम्मान नहीं चाहते थे, डिड वी नॉट वॉन्ट टू हैव रिस्पेक्ट, हम सम्मान किस लिए चाहते थे, फॉर वॉट डिड वी वॉन्ट टू हैव रिस्पेक्ट, हम सम्मान किस लिए नहीं चाहते थे, फॉर वॉट डिड वी नॉट वॉन्ट टू हैव रिस्पेक्ट। तो हम इस प्रकार से हम सेंटेंस की हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, एक की 6 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, आपको तुम ज्ञान चाहते थे, हम सम्मान चाहते थे, वे जमीन चाहते थे, वह कपड़े चाहता था, इस प्रकार के हम सेंटेंस की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एक की 6 सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस बनाने हैं, जितना आप सेंटेंस बनाओगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उतना आप लर्निंग को एंजॉय करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज की क्लास थी, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ टेल मी कमेंट बॉक्स। और मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं बता देता हूँ, इंग्लिश स्पोकन का पूरा बैच है, इंग्लिश स्पोकन का क्या है, ये पूरा बैच है, क्या है, बैच है भैया, इंग्लिश स्पोकन बैच, प्ले लिस्ट में जाना, ब्लैक 50 से 60 वीडियो, एक से लाइन सी वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, तब आपके लिए क्या होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप अंग्रेजी सीख सकते हो, स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो। तो स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है, लगभग 2 महीने को होने की है, तो आप लर्निंग को एंजॉय कीजिए, हम बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, ओके। तो अब जो लास्ट क्लास थी वॉन्टेड टू हैव वाली, अब हम 3 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, ऑन लेन क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, वोकैब होगा तो वोकैब भी लाएंगे, क्योंकि हम पहले से सेंटेंस लिख लेता हूँ, ओके, तो वो भी हम ला सकते हैं। तो आपको क्लास कैसे लगी फिर से बताता हूँ, प्लीज़ टेल मी कमेंट बॉक्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मैंने बताया था, सुनो मैंने बताया था ना कि वोकैब को क्या करना है, वोकैब की सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो आप वो भी कीजिए, आपके लिए बहुत मज़ा आएगा, ओके। मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना खूब ख्याल रखें।